हेलो दोस्तों, कैसे हो? जय जय सियाराम। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज जो स्टोरी आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ, बिल्कुल रियल और बहुत ही डरावनी स्टोरी है। ये जम्मू कश्मीर की स्टोरी है, जम्मू कश्मीर का ट्रिप जो 2023 में आया था ऑल इंडिया में ट्रैवल करने को। 800 से 800 लड़कियां थी और गवर्नमेंट ने उनको 4 करोड़ दिए थे पैसे पूरे ऑल इंडिया का ट्रैवलिंग का, और उनका सिलेक्शन हुआ था यूनिवर्सिटी में। तो वो ट्रैवलिंग के लिए हुए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो भाई ट्रैवलिंग का होगा। लड़कियां लोग, ये जो स्टोरी सुना रही है गीता नाम की लड़की है, उन्होंने ये बताया है। मैं नाम मेंशन रियल नाम नहीं कर रही हूँ क्योंकि किसी का नाम बताना ज़रूरी नहीं समझती। तो ये लोग सब ट्रिप के लिए रेडी हो रहे थे, सारी लड़कियाँ तैयारी कर रही थी और इन लोगों को ट्रेन से जाना था। तो ट्रेन में भी व्यवस्था काफ़ी ठीक ही ठाक था। एक बोगी में 100 लड़कियाँ थी और एक बाथरूम था, और हर बोगी में 100-100 लड़की ऐसा दिया गया था। जैसे तैसे ये लोग अपना, जम्मू कश्मीर की लड़की लोग थी तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड थी कि चलो सभी जगह घूमना है, ट्रैवलिंग करेंगे और देखेंगे, पिक्चर्स वगैरह लेंगे। तो बस इन लोग की दिल्ली तक गई। दिल्ली में इन लोगों ने घूमा वगैरह, क्योंकि दिल्ली से ये लोग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था गर्ल्स लोग को, क्योंकि क्या है ना कि इलाका थोड़ा सा, दिल्ली का इलाका थोड़ा सा अच्छा, मतलब अभी थोड़ा सा गड़बड़ी चल रही है। तो बट इन लोग को अच्छा होटल मिल गया, वहाँ पे ये लोग ट्रैवलिंग किए, शॉपिंग वगैरह भी किए और घूमे वगैरह। वहाँ से गुजरात की ओर ये लड़कियाँ लोग निकली। गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन लोग का व्यवस्था किया गया था, रहने खाने सबका, बड़े 5-स्टार होटल्स में इन लोग की व्यवस्था हर जगह हर सिटी में की गई थी। लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, सब अच्छा से इंजॉयमेंट कर रहे थे। अब ये लोग का थर्ड ट्रिप रहा मुंबई का। मुंबई का ही ट्रिप बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रिप माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मुंबई का ट्रिप इन लोग का रहा, और मुंबई में ये लोग गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत जगह ये लोग घूमे और पिक्चर्स वगैरह खिंचाई। गेटवे ऑफ इंडिया के आगे में लोनावाला था, लोनावाला में इन लोग का ठहरने का व्यवस्था किया गया था, जो काफ़ी ख़तरनाक इलाका था। उसके बाद फ्रेंड्स, उन लोग को लोनावाला जाना था, वहाँ पे इन लोग का ठहरने का व्यवस्था किया गया था। और आप लोग को पता है, बिग बॉस भी, जो बिग बॉस है टीवी में दिखाता है, वो भी लोनावाला में ही स्थित है। वहाँ पे भी बहुत सारा ऐसा दिखाया जाता है और बोला जाता है कि वो लोनावाला थोड़ा सा इलाका जो है ना डैमेज, मतलब वांटेड माना जाता है। तो अब ये लोग का व्यवस्था किया गया था, 3 घंटे ये लोग को लगे वहाँ जाने में। सब 20 बस आ गई थी, 20 बस में सब लड़कियाँ लोग घुस आ गए, बैठ गए थे और अपने सामान के साथ। अब ये लोग उस होटल की ओर जाने लगे। रात के 12:30 बज चुके थे, 12:30 बज चुके थे। लड़कियाँ लोग काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, और इन लोग को बस खा के और सोना था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही लड़कियां होटल की ओर गई, ये लोग की बस रुक गई होटल में, 12:30 बज रहे थे। जैसे ही लड़कियां सब होटल की तरफ गई तो इन लोग को कुछ अजीब जैसा लग रहा था और कुछ अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसा महसूस हो रहा था इन लोग को। बट ये लोग टाइट थी, थके हुए थे, इसलिए इन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। बट जैसे ही ये लोग इंटर किए, इन लोग के सर जो थे, करीब 20 से 25 सर और मैडम थे इन लोग के साथ, तो सबको ऐसे ही महसूस हुआ। बट सब लोग थके हुए थे, खाना खाना चाहते थे। जैसे ही ये लोग होटल के अंदर खाना खाने के लिए रूम में गए, तो जम्मू की लड़की लोग पहले से मौजूद थी, वो खाना खा रही थी, लेकिन ये जो कश्मीर और श्रीनगर के थे वो बाद में गए थे। तो उन लोगों ने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। बट जैसे ही खाना खाने के लिए वो लोग रूम में गए, सारी लड़की खड़ी हो गई और खुद ब खुद नाचने लगी, गोल गोल घूमने लगी। पता नहीं उन लोग को क्या हुआ, और जैसे ही ये लोग रूम में, मतलब खाना खाने के लिए खड़े ही थे, आवाज़ें और चीखें बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगी। कुछ लड़कियां ने सोचा कि इतनी सारी हम लोग गर्ल्स हैं तो कोई चिल्ला रहा है, कोई गिर गया होगा, या बाय द वे कभी कुछ हो गया होगा इसलिए चिल्ला रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, सारे लोग डरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उसमें से कुछ लड़कियाँ बोली कि मैं बाथरूम जाऊँगी। जैसे ही वो बाथरूम के लिए लाइट चली गई, जैसे ही घुसे लाइट चली गई,
होटल के मैनेजर और स्टाफ लोग सबको, सर लोग मैडम लोग बोलने लगे कि बाथरूम दिखा दे और हमें रूम का चाबी दे दे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हैं। और मुझे ज़्यादा खाने के लिए कुछ लड़कियां ने बोला कि मुझे भूख नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मतलब क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो रही है मुझको, कुछ लड़कियों ने बोला। कंफर्ट भी नहीं लग रहा था, कुछ लड़की रिलैक्स भी नहीं महसूस कर रही थी, बट कुछ लड़की को टॉयलेट जाना था, बहुत ज़रूरी इमरजेंसी थी, तो चार से दस लड़की टॉयलेट के लिए स्टाफ लोग ने बोला उधर है टॉयलेट। गई, जैसे ही टॉयलेट में गई वहाँ से सात से आठ लड़की टॉयलेट के अंदर ही बेहोश हो गई, एक बार चिल्लाई उसके बाद बेहोश हो गई। सर लोग गए, मैडम लोग गए, देखी सारी लड़कियाँ बेहोश पड़ी है। अब ये लोग करे तो क्या करे, अब ये लोग को बोले, सर ने बोला कि रूम दे दो रूम दे दो, तो रूम देने को स्टाफ तैयार नहीं था। उसके बाद जो होटल के मैनेजर थे उसको ये लोग बहुत गरजे, क्योंकि वाईफाई भी अवेलेबल नहीं था, ये लोग को फ़ोन भी नहीं लग रहा था, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लड़कियाँ लोग काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, कुछ चिल्ला रही थी, कुछ रो रही थी, और जैसे तैसे ये लोग को रूम मिला, चार पांच रूम जैसे ही ओपन हुआ, एक रूम में 20 से 25 लड़कियाँ घुस गई। वहाँ पे जो कर्टन हिल रहे थे वहाँ पे ऑब्वियसली लग रहा था कि दो से तीन आदमी खड़ा है, जो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ आदमी खिड़की पे लटके पड़े थे, उसको दिख नहीं रहे थे। लड़कियाँ लोग तो कुछ बेहोश ही पड़ी हुई रही। सर लोग ने बोला जैसे तैसे सुबह मॉर्निंग के 5 बजे का इंतज़ार करते हैं, 2:30 बज चुके थे, क्योंकि यही सब सिचुएशन करते करते। अब वो लड़की करे तो क्या करे, क्योंकि इधर खाई है उधर, अब वो लोग जा भी नहीं सकते कहीं बाहर, क्योंकि इतनी रात को फिर बस से भी वापस चली गई थी, फिर वो मॉर्निंग 5 बजे बस आने वाली थी। अब ये लोग करे क्या करे, वहाँ के स्टाफ लोग भी सब चले गए। दो तीन वार्ड बॉय थे जो पानी वगैरह देने के लिए आए थे, उन लोगों से उससे सर ने पूछा, तो सर और मैडम को वो लड़का ने बताया कि ये वांटेड प्लेस है, यहाँ पे ये जो होटल है कोई ठहरता नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, बहुत कम पैसे में आप लोगों का होटल बुक किया गया था, तो ये पूरी तरह से जो सिस्टम है वो पैसे बचाने के चक्कर में वांटेड होटल जो कभी भूतिया थे उस होटल में इन लोगों को रख दिया गया। तो अब ये सर लोग करे क्या, क्योंकि इन लोग को तो कैसे भी करके रात 3 से 4 घंटे बितानी है, मॉर्निंग के 5 बजे का इंतज़ार करना है, क्योंकि मॉर्निंग के 5 बजे ही बस आने वाली है। अब कुछ लड़कियां जो कपड़े चेंज करने सोच रही थी, वो कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, उसको ऐसा लगा कि खुद ब खुद उनके कपड़े ऊपर की ओर जा रहे हैं। फिर वो लड़की लोग ने चिल्लाने लगी, किसी का बाल है, चोटी है, कोई ऐसा लगा कि चोटी कोई ऊपर की ओर खींच रहा है। जैसे तैसे हनुमान चालीसा का इन लोगों ने पाठ किया, हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करने लगी होटल के अंदर ही, इतनी सारी लड़कियां मौजूद थी। बट अब करे तो क्या करे, कहीं जा भी नहीं सकती, कहीं कुछ कर नहीं सकती, और ये रियल स्टोरी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बनावटी है। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पे भी ये पेपर में न्यूज़ छपे हुए थे। मैं वो पेपर का मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट, ऐसा डर लगता है मुझको। तो बस ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा रियल है। लड़की लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह के 5 बजे, मॉर्निंग के 5 बजेंगे बस आएंगी, फिर यहाँ से उन लोग भागेंगे। और ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रहा उन लोग के लिए, तो ये कभी आना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसा करके सारी लड़कियां फिर वहां से धीरे धीरे करके, कोई सो रही है, कोई जग रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई बैठी हुई है, किसी को प्यास लगी हुई है, जैसे तैसे समय रात गुजारे। सुबह के 5 बजे तो इनकी बस की आवाज़ आने लगी, उसके बाद सारी लड़कियां जैसे तैसे, किसी का सामान छूटा पड़ा है, किसी का कुछ, किसी को होश नहीं है कि मैं अपना लगेज लूँ या ना लूँ, बस दौड़ के बस में घुसना है तो घुसना है। और सुबह के 5 बजे थे तो इन लोग का थोड़ा थोड़ा इजोरा हो चुका था, रोशनी आ रही थी, बस सारे लोग फिर जैसे तैसे बस में ठूसे पड़े। सर लोग मैडम लोग घुसे, जो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी उसको भी सर और मैडम ने गोद उठा के और बस के अंदर डाला। उसके बाद फिर बस वहाँ से निकली, और निकलने के बाद फिर वहाँ से मुंबई के
सीधे ये लोग क्या किए कि अब स्टेशन ही पहुंचना सही समझा। फिर मुंबई स्टेशन पे सारी लड़कियां ने खाना खाया और पानी वगैरह पिया और ये लोग को थोड़ा सा राहत मिला कि चलो मौत के मुँह से वापस आ गए। और उसके बाद ये लोग फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए जाना नहीं चाहती थी, सारी लड़कियां अपने घर जाना था, तो फिर वापस ये लोग को घर ले जाया गया और यही ट्रिप रहा। और ये काफ़ी ज़्यादा रियल स्टोरी है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी 23 में ये स्टोरी थी। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहीं भी हम लोग निकले तो थोड़ा सोच समझ कर निकले, और कहीं भी ट्रैवलिंग करें या कहीं भी होटल वगैरह बुक करें तो उसका थोड़ा सा जांच करें, गूगल पे सर्च करें कि उस होटल में है क्या, और इस तरह का गलतियां बिल्कुल ना करें, चाहे बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें, और कॉमेंट करना भी ना भूलें। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कॉमेंट करना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय श्री राम।